जिनको डिस्प्ले यूज करना नहीं आता उनके लिए काफी अच्छी चीज है ये इन्वर्टर भी है एनर्जी सेविंग भी तो है मतलब ये स्मार्ट इन्वर्टर है इसमें टर्बो फैन जो है ना वो मिल जाता है जो कि एएसपी टेक्नोलॉजी के साथ आता है पांचों साइडों से ही कूलिंग करती है पांच साइडों कौन सी है ये वाली एक बैक साइड एक ऊपर और साइड से भी कूलिंग करती है एनर्जी सेविंग पे अगर करते हैं तो आपको मैक्सिमम जो एनर्जी सेविंग प्रोवाइड करेगी एलईडी जो लाइट है ना वो भी मिल जाती है फ्रीजर में भी उसके बाद नीचे आप देखेंगे अगेन आपको वही जो ग्लास हैं वो मिल जाती है वोल्ट से साठ वोल्ट तक इसको कोई टेंशन नहीं असला फ्रेंड्स मेरा नाम है आप देख रहे हैं सी टे तो फ्रेंड्स इस वक्त मैं मौजूद हूँ हायर का ऑफिशियल स्टोर द डिजिटल हब पे और जो द डिजिटल हब है ना ये राव वाली का एक ऐसा स्टोर है जहां से आपको बल्क क्वानिटी में या फिर नॉर्मल अगर कोई चीज आप लेते हैं आपको स्पेशल डिस्काउंट पे जो आइटम्स है ना वो मिल सकती हैं और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन भी कोई भी चीज परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से आप कॉल करके कोई भी चीज है ना वो आप मंगवा सकते हैं तो आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ हायर की लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर की वीडियो और ये जो इस दिखाए का मॉडल है ना ये सबसे लेटेस्ट है इवन अभी तक इसकी जो प्राइस है ना वो भी ऑफिशियली रिवील नहीं की गई आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हाइड ने कैसी फ्रिज जो है ना लॉन्च किया है इसमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं और इसके जो क्वालिटी श्वालिटी है वो दिखाऊंगा स्पेशली इसका जो डिज़ाइन है ना वो मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जी तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं आपके सामने मौजूद है दो कलर्स में और ये आई सीरीज़ के नाम से आती है मतलब आई सीरीज़ है ये आई पी आर और आई पी जी आपके सामने मौजूद है और ये जो कलर है रेड कलर में और ये जो है ग्रीन कलर में आ जाती है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप इसकी जो लुक है ना वो देख सकते हैं कैसी इसकी लुक आपको मिलती है और काफ़ी ग्लॉसी है क्योंकि ग्लास है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे इसके ऊपर जो पैनल है ना वो मौजूद नहीं है यहाँ पे आपको हायर की ब्रांडिंग मिल जाती है ठीक है और उसके साथ साथ आपको मैं दिखाता चलूँ यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है जो टेन प्लस थ्री वही इनका वारंटी का जो स्नैरियो है ना वो मिल जाता है दस साल की कंप्रेसर की और तीन साल के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की जो वारंटी है ना मिल जाती है टेक्स्चर आपको दिखाता चलूँ तो ये आप देख सकते हैं ये इस किस्म का आपको इसमें जो टेक्सचर है ना वो मिल रहा है ठीक है आ, ये देख सकते हैं मतलब ये बॉडी इसकी जो बैकग्राउंड है ना बेस जो है वो रेड कलर में आती है और इसके जो ब्लैक जो डॉट्स हैं ना वो बने हुए हैं कोशिश करता हूँ ग्लास की वजह से फोकस भी नहीं ठीक आ रहा ठीक है तो ये जो चीज़ है ना ये मिल जाती है आई होप आपको आइडिया हो रहा होगा तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आपको लाइट्स है जो छोटे छोटे जो डॉट्स हैं ना वो मिलते हैं पहले आ, ये देख सकते हैं ये चीज़ है और आगे जहाँ आगे ना ये फेड हो जाता है मतलब ये जो डॉट्स है ना ये कम हो जाते हैं और प्रॉपर ये जो ब्लैक साइड है ना वो आ जाती है ये चीज़ है अगर हम फ्रिज की बात कर लें फ्रिज डोर की बात कर लें तो वो भी ब्लैक है बट यहाँ से थोड़ा बहुत जो इसका जो कलर है ना वो अगेन वही हो जाता है जो ऊपर से था आपको आई होप डॉट्स जो है ना वो फील हो रहे होंगे इस किस्म के इस खिलों के आपने मुझे कमेंट्स में पाने आपको इसकी जो लुक है मतलब ये जो डिजाइन है ये किस किस्म का लगा मुझे तो देखने में काफ़ी खूबसूरत जो है ना डिज़ाइन लग रहा है उसके बाद आपको दिखाता चलो यहाँ पे जो है ना स्मार्ट इन्वर्टर की जो ब्रांडिंग है ना वो मौजूद है मतलब ये स्मार्ट इन्वर्टर है ये हाई की पहली फ्रिज है ऐसी जो डिस्प्ले के बगैर और इन्वर्टर है जिनको डिस्प्ले यूज़ करना नहीं आता उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये इन्वर्टर भी है एनर्जी सेविंग भी है इसमें कम्प्लीट जो फीचर्स हैं वो भी मिल जाते हैं बट इसमें जो डिस्प्ले है ना वो नहीं है मैनुअल ऑपरेशन है इसका तो डोर ओपन कर लेते हैं तो आप डोर देख सकते हैं आपको इस किस्म का इसके अंदर से व्यू मिलेगा फ्रीज़र का वैसे ही आपको जो शल्वस हैं ना वो मिल जाती हैं ठीक है उसके अलावा इसमें जो शल्व्स है ना बीच वाली जो है वो भी ग्लास की मिलती हैं कुछ फ्रिज ऐसी हैं जिसमें वायर की जो शल्व हैं वो मिलती हैं बट इसमें जो है ना ग्लास की जो शल्व्स ना वो दी गई हैं इसके अलावा यहाँ पर एल जो लाइट है ना वो भी मिल जाती है फ्रीज़र में भी और फ्रिज में भी ये दो एल ई लाइट्स हैं जो कि इसके फ्रीज़र में मिलती हैं ठीक है और हाई की खास पास आपको बताता चलूँ इसकी जो कूलिंग है ना वो वो फाइव वे है मतलब फाइव वे वेपोरेटर है पाँचों साइडों से ही कूलिंग करती है पाँच साइड कौन सी है एक ये वाली एक बैक साइड एक ऊपर और साइड से भी कूलिंग करती है और काफ़ी रेफ्रिजरेटर अभी भी ऐसे हैं जो कि साइड से कूलिंग नहीं करते उसके बाद मैं आपको दिखाता चलूँ ये देख सकते हैं कुछ इस किस्म की इसकी बॉडी जो है ना वो मिल जाती है ठीक है इस किस्म का आपको जो टेक्स्चर है वो मिलता है अच्छा एक चीज़ आपको दिखाता चलूँ कि ये देखें जरा कुछ इस किस्म की यहाँ से लुक मिलती है ये चीज़ है ठीक है मतलब इसका साइड पे जो है ना कट कोई भी नहीं दिया गया डोर के लिए तो यहाँ से आपने इसको ऐसे और यहाँ से इसको ऐसे ओपन करना है तो इसको ओपन कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं जी आपको कुछ इस किस्म का डोर मिल जाता है डोर में आपको कुछ ये जो रैक्स है ना रैक्स कह लें आप जो भी वो मिल जाते हैं ठीक है एक दो तीन और चार सबसे नीचे भी मौजूद है इट्स मीन के इसका जो बॉक्स है ना वो थोड़ा सा छोटा होगा नहीं तो अगर यहाँ पे ये ना हो ना तो बॉक्स है ना वो बड़ा कर दिया जाता है तो उसके बाद अगर हम अंदर देख लें तो यहाँ पे आपको इसमें टर्बो फैन जो है ना वो मिल जाता है जो कि ए एस पी टेक्नोलोजी के साथ आता है आप एस पी टेक्नोजी क्या चीज़ है ये नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट जो बैक्टेरियाज है ना उनको किल करता है और ये देख सकते हैं कुछ इस किस्म का जो टर्बो फैन है नहीं मिलता है मतलब टर्बो फैन भी है और जो बैक्टेरियाज है ना वो भी किल करता है यहाँ पर आया था इसका थर्मोस्टेट जहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसके स्पीड्स जिस तरह टिपिकल जो रेफ्रिजरेटर्स हैं ना वो होते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको एक एडिशनल बटन जो है ना वो मिल जाता है जिसमें सुपर फ्रीज के ऑप्शन अगर आप हाँ सेलेक्ट करते हैं ना तो ये अपने टर्बो मोड पर चली जाएगी मैक्सिमम कूलिंग आपको देगी इसके अलावा आप इनजी सेविंग पे अगर करते हैं तो आपको मैक्सिमम जो है ना एनर्जी सेविंग प्रोवाइड करेगी उसके बाद नीचे आप देखेंगे अगेन आपको वही जो ग्लास शेल्वज हैं वो मिल जाती हैं जिस तरह की आपको फ्रीजर में मिलती थी और नीचे आपको इस किस्म का इसका जो बॉक्स है ना वो मिल जाता है और बॉक्स के ऊपर भी आपको ग्लास का जो शेल्फ़ है ना वो मिल जाती है और ये बॉक्स का साइज़ है ठीक है और बॉक्स का साइज़ नॉर्मल है जैसा मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे आपको एक और जो ट्रे है ना वो मिल जाती है और इसके अलावा आपको दिखाता चलो यहाँ पे इसकी जो एलईडी जो लाइट है ना वो मिल जाती है अच्छा अब साइजिंग की अगर हम बात कर लेना तो ये जो साइज़ है ना आ, ये है थ्री फोर सिक्स मतलब थ्री फोर सिक्स इसका जो साइज़ है ना वो है हायर की तरफ से पहले थ्री थ्री सिक्स का बढ़िया था था, थ्री फोर सिक्स में आता है और इसमें थ्री वन सिक्स साइज भी लॉन्च किया गया बट इस वक्त चीज जो आपके सामने मौजूद है ना ये थ्री फोर सिक्स साइज में आ जाता है तो जैसा कि आपको दिखाया एक ये कलर है इसके अलावा एक जो ग्रीन कलर ना ये मौजूद है अच्छा इसके अलावा आपको एक और मैं बात बताता चलूँ कि हायर का आप कोई भी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर लेते हैं ना उसमें आपको जो वोल्टेज की जो रेंज है ना वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है मतलब 105 वोल्ट से 260 वोल्ट तक इसको कोई टेंशन नहीं तो अगर आप ये रेफ्रिजरेटर परचेस करना चाहते हैं या फिर कोई भी हायर का रेफ्रिजरेटर परचेस करना चाहते हैं या कोई भी हायर के ऑफिशियल प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो हाई के ऑफिशियल स्टोर द डिजिटल हब पे आप आ सकते हैं और यहाँ से आप कुछ भी परचेस करेंगे तो को जो स्पेशल डिस्काउंट है ना वो भी दी जाएगी यही थी आज की वीडियो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज